भाइयों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। पीपल फंड ऑफ इंडिया के तरफ से मुबारकबाद। आज हमारा रिपब्लिक डे है, आज एक त्योहार के दिन भी है, क्योंकि 71 साल पहले इसी दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हुआ था। हमें हमारे संविधान पर बहुत गर्व है, फख्र है, क्योंकि आलम में वो बहुत बेहतरीन एक संविधान भी है। असल में आज एक त्योहार का दिन, लेकिन ये त्योहार के दिन में अनफॉर्चुनेटली आज हमारा किसान लोग एक तारीखी एहतजाज में है। वो आज सुबह से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए वो आंदोलन में है। किसान हमारे राष्ट्र की आत्मा है, सोल है, लेकिन वे आज बहुत परेशान में है। केंद्रीय सरकार के नए बिलों के, कानूनों के जरिए कॉरपोरेट्स को खुश कराने के लिए एक किसानों का शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। सिर्फ किसान लोग नहीं, सारे देश अशांति में है। नए केंद्रीय सरकार आने के बाद लोग अपने स्वतंत्रता खो रहे हैं, आजादी खो रहा है। संविधान के अनुसार हमारा वतन एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हमारा रिपब्लिक की मुख्य विशेषताएं, फीचर्स, इंसाफ है, स्वतंत्रता है, मतलब आजादी है, और बराबरी है भी। लेकिन आजकल हम न्याय की मौत देखता है, इंसाफ की मौत देखता है। दिल्ली में हिंसा भड़काने वाले गुंडे अभी भी स्वतंत्र है, फ्री है, जबकि कई पीड़ित जेल में है। जो लोग CAA, NRC के खिलाफ, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों के खिलाफ लड़ाई किए हैं, जमहूरी तौर पर पीसफुली लड़ाई किए थे, वो लोग पर अभी जेल में है। और किसान लोग अभी भी सड़क पे हैं, वो इत्तेजाज कर रहे हैं, लेकिन वो जो कॉरपोरेट्स इंटरेस्ट के लिए के खिलाफ लड़ते हैं, वो कॉरपोरेट्स के लिए अभी भी नया फैसिलिटीज मिलते रहते हैं। अभी देखिए, नया बहुत एयरपोर्ट्स इनको मिला है। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, देश के सारे धन उन लोगों के लिए दान कर रहे हैं। और हमारी आजादी पतला हो गया है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी को भी राष्ट्र विरोधी ऐसा लेबल दिया जाता है और उसका शिकार किया जाता है। लगभग तकरीबन 8 पत्रकारों को अभी यूपी की कई जेलों में भेजा गया है। बिहार में अभी नया कानून भी बनाया गया है, सरकार के खिलाफ आंदोलन को अपराध, एक क्राइम बनाया दिया है। कोई आंदोलन भी नहीं, कोई आलोचना सोशल मीडिया में पोस्टिंग करे तो भी वो गुना है, अभी क्राइम हो गया है। अब हमारा देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मायना क्या है? अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा है तो एक सोशल मीडिया पोस्ट करे तो इनको पकड़ के जेल में भेजने का एक हालत है। और इक्वालिटी, बराबरी हमारे संविधान के बुनियाद है, लेकिन ये CAA बिल पास करने के बाद क्या है ये बराबरी का मायना क्या है? असल में वो CAA बिल पास करने से हमारा सरकार ने एक घोषणा की कि अभी यहां कोई इक्वालिटी नहीं, इधर नागरिकता भी मजहब के बुनियाद पे बोल के एक डिक्लेरेशन किया है गवर्नमेंट ने। ये CAA और NRC के वजह से करोड़ों लोग वो डराते हैं, डर में है अभी कि अभी ये देश छोड़ के कहीं जाने पड़ेगा क्या। ये डर अभी तक सोल नहीं हुआ है, हल नहीं हुआ है, लेकिन बार बार ये हुक्मरान लोग डराते रहते हैं। ये राष्ट्र की प्रति हमारे प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट को दोहराने के एक सही समय है, रिइटरेट करने का एक सही वक्त है। हमें अपने रिपब्लिक की सुरक्षा के लिए सब मिलकर लड़ना चाहिए। हमें अपने आजादी की सुरक्षा के लिए मिलजुल कर एक साथ लड़ना चाहिए। हम अपने प्यारे देश को बर्बाद करने
करने वाला ये आरएसएस के खिलाफ वो लोगों को हमारे देश को छोड़ना नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे। हम ये फासीवाद लोगों के द्वारा फैलाए गए नफरत के ये संदेशों को दिफा करेंगे। हम एक साथ सद्भाव और एकता के एक नए हिंदुस्तान के तमीर के लिए प्रयास करेंगे। ये है इस दिन का महत्वपूर्ण संदेश। और मैं सभी हमारे भाइयों को बहनों को ये रिपब्लिक डे का शुभकामनाएं अदा करता हूँ, मुबारकबाद अदा करता हूँ। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।